गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुभव कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि इंटीग्रेशन है क्लास 12। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं और कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं, बता चुके हैं, आगे हम देखते हैं। ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय, ऊपर में सॉरी माइनस होगा और नीचे में प्लस है, इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि नीचे जो टर्म है ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी। लेट ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स बराबर टी मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x ही होगा। लेकिन 2x का अगर चेन रूल लगाते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस e टू दी पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस 2x ही होगा। लेकिन माइनस 2x का जब काम कीजिएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो माइनस 2 होगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा dt by dx। अब हम करते क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा e टू दी पावर 2x माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ये 2 जो है वो सामने, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें मल्टीप्लाई से तो सामने में जाकर के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर से 2 को हटाना चाहें तो वो सामने में डिवाइड हो जाएगा, तो e टू दी पावर 2x माइनस 2 e टू दी पावर, यहाँ से भी 2 गायब हो जाएगा कॉमन ले लिए थे, तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा यही है इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, तो इस पूरे के जगह पर क्या है, dt बाई 2 है, इस पूरे ऊपर वाले पूरे के जगह पर क्या है, dt बाई 2 है, तो वहां पर हो जाएगा dt बाई 2। तो dt बाई 2 मतलब क्या होगा, 2 बार कर दिए, 1 बाई 2 के टर्म में लिख दिए, और नीचे वाले टर्म को हम क्या माने हुए थे, टी, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाला टर्म यानी 1 बाई टी हो जाएगा, तो 1 बाई टी डी टी। अब देखिए 1 बाई टू, 1 बाई टी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग टी प्लस टी, तो हाफ लॉग टी। टी के जगह पर हम क्या रखेंगे, क्या कंसिडर किए थे, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x का प्लस c, ये हमारा आंसर रहा, log sin x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे, एक्चुअली cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, cot x को लिख सकते हैं cos x by sin x इंटू log sin x dx। अब यहाँ पे कंसीडर किसको करना होगा, अगर हम sin x को कंसीडर करते हैं तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि sin x का क्या हो जाएगा, cos x dx उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है। यानी लेट sin x इज इक्वल टू टी, sin x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, इसका अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा cos x बराबर dt by dx। sin x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x बराबर dt by dx, अब dx से सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिएगा यहां पे है cos x और यहाँ पे है dx, तो cos x dx के पोजीशन में हम क्या रखेंगे, dt को, cos x dx के पोजीशन में हम रखेंगे dt को, ठीक है, उसके पहले क्या है, log sin x, तो log sin x को क्या माने हुए हैं, t, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे sin x है, इस sin x को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर sin x के जगह पर क्या रखेंगे, t, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हो जाएगा log sin x के जगह पर t डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी।
यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमें फिर से दोबारा कुछ मानने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, लॉग टी को फिर से कुछ मानेंगे। अब हम लॉग टी को फिर से कुछ मानेंगे, जैसे जेड मान लीजिए, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो लॉग टी बाई टी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता है। आपके पास यू बाई वी का फॉर्मूला नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में यही तो खास बात है कि आप इसमें चेन रूल नहीं लगा सकते हैं, डिवीजन रूल नहीं लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यू बाई वी के रूप में है। अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन रहता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के कंडीशन में ऐसे काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे लॉग टी को फिर से कुछ मान लेते हैं, अदर वेरिएबल लॉग टी को फिर से कुछ मान लेते हैं। लेट लॉग टी दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार तो हो ही चुका है, फिर से दोबारा कंसीडर करना है। लॉग टी बराबर इस बार हम मान लेते हैं जेड, लॉग टी बराबर इस बार हम मान लेते हैं जेड। तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई टी बराबर डी जेड बाई डी टी। अब यहाँ एक्चुअली है क्या कि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पहले हम करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो भी होता था वो लॉग एक्स टाइप का होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है लॉग टी टाइप का है। तो लॉग टी का क्या होगा, वन बाई टी बराबर डी जेड बाई डी टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे हम। अब यहाँ देखिए, अगर इस डी टी को सामने ले आया जाए तो डी टी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड। डी टी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर है डी टी बाई टी, डी टी बाई टी है यहाँ पे, तो डी टी बाई टी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई टी के जगह पर लिखेंगे हम डी जेड, और लॉग टी को क्या माने हुए हैं, जेड। लॉग टी को क्या माने हुए हैं, जेड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करना है, तो जेड का पावर कितना है, वन। क्या होता है, पावर में एक जोड़ो डिवाइडेड बाय पावर में एक जोड़ो, तो यहाँ पर पावर में एक जोड़ेंगे कितना है, जेड का पावर वन है, पावर में वन जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय पावर में वन, यानी ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी, जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब हम जेड किसको माने हुए थे, लॉग टी को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉग टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा। उसके बाद टी, टी को भी हम कुछ माने हुए थे साइन एक्स, यानी यहाँ पर टी ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें, टी के जगह पर हम क्या माने हुए थे, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग, टी के जगह पर रखेंगे साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ये रहा फाइनल आंसर।